Hello students, let us come to the another exercise of chapter 8. This is exercise 8.2. But before going to the exercise, let me relate you with some of the formulas which are going to be very helpful for solving this exercise. So the first formula I have written here. I have already written all the formulas to save the time, and let me explain you one by one each formula. Suppose we have to express one quantity as a percentage of other quantity. Okay, जब भी हमें एक quantities को दूसरी quantity के form पे percentage के रूप में represent करना है, so कैसे find करते हैं? To express x as a percentage of y, कैसे लिखेंगे? X upon y into 100. इसका एक example ले लेते हैं हम. Suppose हम एक example लेते हैं. We have to express 150 gram as a percentage of 6 kg. Suppose मैं यहीं पे लिख देती हूँ इसका example. Suppose we have to express 150 gram as a percentage of 6 kg. हमें 150 ग्राम को एज अ परसेंटेज ऑफ 6 केजी दिखाना है. तो मैंने क्या बताया, टू एक्सप्रेस वन क्वांटिटी. यहाँ पे वन क्वांटिटी मतलब पहली क्वांटिटी क्या है, 150 ग्राम. और कैसे दिखाना है, एज अ परसेंटेज ऑफ वाई मीन्स एज अ परसेंटेज ऑफ 6 केजी. तो क्या करेंगे हम, 150 अपॉन 6 केजी को भी हम ग्राम में कर देंगे, 6000 इंटू 100. ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा, दो जीरोस गए यहाँ से, वन जीरो यहाँ से गया, सो इट विल गिव यू 2.5%. लेट मी राइट इट नाइसली, 2.5%. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड, या इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज. हाउ, व्हाट टाइप ऑफ परसेंटेज, टू एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अदर क्वांटिटी. जैसे एग्जाम्पल में लिया था 150 ग्राम को परसेंटेज किया एज अ परसेंटेज ऑफ 6 kg. सो दिस इज वॉट, एक्स अपॉन वाई इंटू 100. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में आते हैं फॉर्मूले पे. इफ ए इज अ क्वांटिटी, सॉरी टू से, इफ अ क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय एक्स परसेंट, देन न्यू क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी. सेकेंड फॉर्मूले पे हम आपको दिखा रहे हैं, इफ़ अ क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय एक्स परसेंट देन न्यू क्वांटिटी विल बी 1 + x/100 इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी. इसके लिए अगर हम एग्जांपल लें तो हम आपको कहें, सपोज़ कीजिए कि मेरे पास रुपीज़ 100 हैं और 2 days के बाद मुझे इंक्रीमेंट मिलता है 100 rupees का, 2% इंक्रीज मिलता है. 100 का 2% इंक्रीज कैसे निकालेंगे, सो कितना आना चाहिए. तो इसको लिए हम आपको एग्जांपल में यहाँ समझाते हैं. सपोज आई एम टेकिंग रुपीज़ 100, तो 100 rupees में 2% इंक्रीज कितना हो जाएगा. सो 100 मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी मैंने ये लिखी है, ओरिजिनल प्लस कितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, 2% इंक्रीज किया. सो ये कर लेंगे, सो 100 इंटू 102, 100 में 2 को ऐड करेंगे, 102 होगा, 100 से 100 गया, 102 हो जाएगा. वैसे भी नॉर्मल सी बात है, इफ़ यू टू इफ ओवरली कि 100 का 2% क्या देगा, 100 का 2% आपको 2 ही देगा. सो 100 में 2% इंक्रीज क्या देगा, 100 + 2 मीन्स 102. सो आंसर हमारा, फाइनल आंसर 102 ही आएगा. फॉर्मूले पे कैसे करेंगे, 100 हमारा ओल्ड क्वांटिटी है या ओरिजिनल क्वांटिटी है, कितने परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, वो मेरा एक्स है जो कि हमने 2% लिया. सो 1 + 2/100 इंटू ओरिजिनल, इट मीन्स 100, उससे हमने सॉल्व किया. व्हेन वी विल कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो 1 + x/100 आएगा, और अगर क्वांटिटी डिक्रीज करेगी सो 1 - x/100 इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी. न्यू क्वांटिटीज़ में अगर मैं वही एग्जाम्पल लूँ, 100 का 2% डिक्रीज कितना हो जाएगा, सो 100 आपका है ओरिजिनल, 2% मतलब 2, सो 100 में से 2 माइनस करोगे सो कितना देगा, 98 देगा. फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो फॉर्मूले से भी आपको दिखा दें, 100 ओल्ड क्वांटिटी या ओरिजिनल क्वांटिटी कितना परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है, 2. सो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 बाय करेंगे, सो 100 से 2 गया तो क्या देगा, 98 देगा,
सो 100 × 98/100 क्रॉस किया, सो 98 मिल जाएगा आपको. सो इन दिस वे वी कैन रिलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो. लेट अस कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला. इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ पी परसेंट, किसी भी क्वांटिटी में अगर हम देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है पी परसेंट, तो हम उसका सेल प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस को एस पी से दिखाएंगे, कॉस्ट प्राइस को सी पी से दिखाएंगे. तो सी पी में प्रॉफिट हो रहा है पी परसेंट, सो प्रॉफिट हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा? जैसे आपका ओरिजिनल क्वांटिटी का फॉर्मूला है न्यू क्वांटिटी 1 + x/100 × ओरिजिनल क्वांटिटी, वैसे ही सेम आपका फॉर्मूला एस पी और सी पी का है जब प्रॉफिट परसेंट होगा. प्रॉफिट हो रहा है सो क्या होगा? एस पी इक्वल्स टू सी पी 1 + p/100. जैसे लॉस होगा सो सेल प्राइस का फॉर्मूला क्या आएगा? एस पी इक्वल्स टू सी पी 1 - l/100. सो ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल वैसे ही है जब हम किसी क्वांटिटी में x परसेंट डिक्रीज करते हैं तो भी क्या बनता है? न्यू क्वांटिटी क्या होती है? न्यू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू ओरिजिनल क्वांटिटी 1 - x/100. इससे लॉस है तो क्या होता है? एस पी इक्वल्स टू सी पी 1 - l/100. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, एस पी को फाइंड करना जब हमारे पास मार्क्ड प्राइस हो. यहाँ एम पी क्या है आपका? मार्क्ड प्राइस है. मैं इसको लिख देती हूँ, एम पी इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस कह ले, कभी कभी लिस्ट प्राइस भी होता है. मतलब अगर हम कोई आइटम खरीदने जाते हैं, सपोज़ करो पेन खरीदने गए, पेन की कॉस्ट है, कभी कभी कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा तो उसको 10 रुपीज़ कह लेंगे, या मार्क्ड प्राइस भी कह लेते हैं. डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है. सो उससे हम रिलेट करते हैं. सो एस पी का फॉर्मूला, एस पी इक्वल्स टू एम पी माइनस डिस्काउंट. या आपको मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. सपोज़ कीजिए हम एक शर्ट खरीदने गए, हम एक शर्ट बना दें, ठीक है. सपोज़ करो मैं एक शर्ट खरीदने गई, शर्ट की कॉस्ट है 100 रुपीज़, ठीक है. और इस पर डिस्काउंट चल रहा है 2%. 2% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि 2% 100 का 2% इसमें कम कर दिया जाएगा. यानी कितने रुपीस कम किए जा रहे हैं? 2 रुपीस इसमें लेस कर दिए जाएंगे. सो 100 में से 2 रुपीस लेस क्या कॉस्ट हो जाएगी? 98 होगी. आप ऐसे करते हो, पर अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो सेल प्राइस क्या आएगा? सेल प्राइस आएगा आपका एम पी क्या है? 100 है. और डिस्काउंट हमने निकाल लिया, कितना डिस्काउंट आ रहा है? 2 रुपीज़ का डिस्काउंट आ रहा है. सो 100 - 2 = 98. और डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंट हमारा यहाँ से भी आ सकता है. और डिस्काउंट का आप देख सकते हो, डिस्काउंट का फॉर्मूला यहाँ से अगर हम बनाएँ तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस में कितने परसेंटेज आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है. डिस्काउंट परसेंट एम पी इंटू डिस्काउंट, यहाँ से ऊपर ले जाओगे सो यू कैन फाइंड डिस्काउंट हियर ऑल्सो, ठीक है. एम पी माइनस डिस्काउंट गिव यू एस पी. ये फॉर्मूला हो गया. एस पी का फॉर्मूला जब आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कर रही थी, इसी को ही हम कर सकते हैं. 100 - 1 - 2/100, ठीक है. तो 1 - 2/100 98 देगा, 100 से 100 जाएगा. तो डिस्काउंट परसेंट आप रख के एस पी निकाल सकते हो अगर आपके पास डिस्काउंट परसेंट है. डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला फिर से मैंने यहाँ लिख दिया. डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100. मार्क प्राइस में ही हम डिस्काउंट निकालते हैं ना. सो डिस्काउंट परसेंट क्या हुआ? डिस्काउंट परसेंट हो गया डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100. This is all the formulas which you can use to solve your questions. और अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे.